बिजनेसमैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं एक बिजनेस कोच, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, सेमिनार लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर हूं। पिछले 41 साल से अकोला में मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तत्न करके प्रैक्टिस कर रहा हूं। बिजनेसमैन का टाइम जाता कहाँ है? बिजनेसमैन को टाइम क्यों नहीं मिलता है? हर बिजनेसमैन को पूछो तो बोलता मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी इसलिए है कि उसके पास में प्रोसेस नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है उसके पास। प्रोसेस जो है वो प्रोसेस के होते हैं रोल्स। रोल्स मतलब क्या है? रोल्स मतलब जैसा मैं हूँ तो मैं एक बेटा हूँ मेरे माँ का, मैं हस्बैंड हूँ, मैं पिताजी हूँ, ये मेरा रोल है। मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरा रोल है। तो ऐसे बिजनेस में जो प्रोसेस हम लगाते हैं उसके रोल्स होते हैं, और बिजनेस में 5 मेन रोल्स होते हैं। एक है डूइंग, मतलब जो काम करता है वो डूइंग। फिर दूसरा होता है एनेबलिंग, मतलब जो डूअर है उससे काम करवा के लेता है या उसको सिखाता है। फिर तीसरा जो है वो है मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना, मेजर करना। चौथा जो है वो है कंट्रोलिंग, मतलब उसको चेक करना, जो मेजर किया है उसको कंट्रोल करना। और पांचवा जो है वो है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। ये मेन 5 रोल होते हैं। तो ये जो पांचवा जो रोल है प्लानिंग एंड डिजाइनर, तो ये प्लानिंग डिजाइनिंग का काम एक्चुअली बिजनेसमैन का है। मगर बिजनेसमैन बिजी काम है, बिजनेसमैन बिजी है डूइंग में, काम करने में, मैनेजिंग में, मैनेज करना लोगों को। मतलब हम देखते हैं कि भाई प्लानिंग डिजाइनर, डिजाइनिंग का जो काम है बिजनेसमैन का वो करता ही नहीं है, वो करता है एनेबलिंग, मतलब मैनेजर का काम करता है। और एक्चुअली ताकत वहाँ लगती है, लोगों से काम करवा के लेना, और डूइंग में ताकत लगती है, मतलब काम करना। तो हर बिजनेसमैन का टाइम कहाँ जाता है? काम करना या काम करवा के लेना। मॉनिटरिंग जो है कि काम बराबर हुआ कि नहीं हुआ, वो चेक करने के लिए टाइम ही नहीं है, या फिर वो भी बिजनेसमैन को ही करना पड़ता है, और कंट्रोलिंग भी बिजनेसमैन नहीं करता है, और इसमें उसका टाइम पूरा निकल जाता है। तो हर बिजनेसमैन ने देखना है कि उसका सबसे ज़्यादा टाइम जाता कहाँ है। उसका ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टाइम जाता है डूइंग और एनेबलिंग में, मतलब एक तो खुद काम करो या लोगों से काम करवा के लो। उसका टाइम जाता है फॉलोअप करने, अरे उसका क्या हो गया, उसका क्या, उसका रिपोर्ट आया कि नहीं, उसका रिपोर्ट आया कि नहीं, कोऑर्डिनेट करना, 2-3 लोग मिलके वो काम कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है। और ये सब नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इसमें से रोकड़ा मिलता नहीं है, पैसा मिलता नहीं है। बिजनेसमैन का सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जाना चाहिए? रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में, मतलब पैसा जहाँ से मिलता है वहाँ से। और फिर यदि आपका टाइम ऑर्डर फुलफिलमेंट, जो ऑर्डर्स है उसको फुलफिल करो, या जो काम करें उनको सपोर्ट करो, उसमें जाता है, क्योंकि वहीं से एक्चुअली पेशेंट को या कस्टमर को सर्व किया जाता है, वहीं से माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। कहाँ से? जो हम सर्विस देते हैं लोगों को, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वहाँ से होती है, रेफरल वहाँ से होता है, रिपीट सेल्स वहाँ से होता है। तो बिजनेसमैन कहाँ बिजी है? ऑर्डर फुलफिलमेंट और बिजनेस सपोर्ट, वहाँ बिजी है। डूइंग एनेबलिंग, वो जो कर रहे हैं उनको, उसमें बिजी है। ग्रोथ कौन करेगा बिजनेस का? ग्रोथ टूट जाता है, वो बिजनेस चल ही नहीं सकता। जो बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी बिजनेस ओनर की है, चलाने की जिम्मेदारी बिजनेस ओनर की है नहीं। चलाने की जिम्मेदारी जो है वो है प्रोसेस कोऑर्डिनेटर की, बिजनेस चलाने का है। तो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का काम क्या है? प्रोसेस कोऑर्डिनेटर का काम है कि सिस्टम शुड रन इंडिपेंडेंट ऑफ बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर नहीं है तभी भी सब बराबर चल रही है सर्कस। बिजनेस ओनर की जिम्मेदारी क्या है? बिजनेस ओनर की जिम्मेदारी यह है कि टू प्रिपेयर द सिस्टम,
प्लान द सिस्टम, डिजाइन द सिस्टम, नॉट टू रन द सिस्टम, ये बिजनेसमैन का काम है। तो बिजनेसमैन ने सिस्टम डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करने के लिए बोलना है, चलाना नहीं है, चलाने के लिए और कोई व्यक्ति चला रहा है, जिसको बोलते हैं प्रोसेस कोऑर्डिनेटर या चेकर, और वो यदि करता है तो बिजनेसमैन को अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वर्कर वर्कर का काम कर रहा है, मैनेजर मैनेजर का काम कर रहा है, चेकर चेकर का काम कर रहा है, बिजनेसमैन सोच रहा है, बिजनेसमैन थिंक कर रहा है, बिजनेसमैन डिजाइन कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, ये काम बिजनेसमैन का है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।